स्वदेशी सैन्य विमानन क्षेत्र की सबसे बड़ी डील को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के लिए 83 सिंगल इंजन वाले तेजस फाइटर प्लेन तैयार करेगी। इस डील की खास बात यह है कि पहले ये 56,500 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब HAL 39,000 करोड़ रुपए में ही 83 तेजस उपलब्ध करवाएगा। करीब एक साल तक बातचीत के बाद इस डील की कुल कीमत में 17,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। बताया जाता है कि शुरुआत में HAL ने तेजस मार्क 1 A-Jet तैयार करने और उसके रखरखाव के लिए जितनी मोटी रकम की मांग की थी, उससे भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय हैरान थे। आखिरकार बातचीत के बाद ये डील 39,000 करोड़ रुपए में फाइनल हो चुकी है। लंबी बातचीत के बाद डील फाइनल। इस डील को लेकर अंतिम मंजूरी के लिए फाइनल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि 31 मार्च को समाप्त हो रहे इस वित्तीय वर्ष से पहले इसे मंजूरी दे दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि डील होने के बाद HAL ने 3 साल में फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू करने का वादा किया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने पहली बार नवंबर 2016 में 83 तेजस तैयार करने के लिए HAL को 49,797 करोड़ की डील करने की मंजूरी दी थी, लेकिन तेजस ने इस डील के लिए 56,500 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी थी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मोल भाव के लिए लंबी बातचीत चली। बातचीत के दौरान वायुसेना ने भी अपनी कुछ जरूरतों में कटौती की, जिसके बाद ये डील फाइनल होती दिख रही है। भारत को चाहिए 30 स्क्वाड्रन। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ रक्षा मोर्चे पर मजबूती के लिए कम से कम 30 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हर स्क्वाड्रन में 18 जेट होते हैं, लिहाजा भारत को करीब 540 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, जिसे ध्यान में रखकर वायुसेना लगातार हल्के फाइटर जेट की डील कर रहा है। आपको बता दें कि इस साल मई में पहली बार 4 राफेल विमानों को अम्बाला एयरबेस पर तैनात किया जाना है। फ्रांस के साथ हुए 59,000 करोड़ रुपए की डील के मुताबिक अप्रैल 2022 तक 32 राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाले हैं। लेकिन वायुसेना के लिए बड़ी चिंता की बात तो ये है कि HAL तेजस की सप्लाई में ज्यादा वक्त ले रहा है। अब तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में केवल 16 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट मौजूद हैं। 8,802 करोड़ रुपए की 2 डील के जरिए दिसंबर 2016 में इसकी आपूर्ति हुई थी। अब ये है वायुसेना की प्लानिंग। सूत्रों का कहना है कि तेजस मार्क A-1 की टेस्टिंग 2022 तक पूरी होने की संभावना है। इसके बाद वायुसेना 123 पावरफुल इंजन से लैस 170 तेजस मार्क 2 को बेड़े में जोड़ने की कोशिश में है। हालांकि तेजस मार्क 2 और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी MCA कहे जाने वाले स्वदेशी स्टील्थ के 5वें वर्जन के लड़ाकू विमानों को मिलने में कुछ और साल लगने की संभावना है।